इन दिनों अफगानिस्तान के मौजूदा हालात कुछ ठीक नहीं हैं। अफगानिस्तान में इन दिनों तालिबानियों का जो है वो पूरा तरीके से जो कब्जा हो चुका है, लेकिन इंडिया में भी उस चीज़ का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। असर कैसे देखने को मिल रहा है आपको बताते हैं। दरअसल अफगानिस्तान से भारी बड़ी मात्रा में जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका इम्पोर्ट का काम होता है, तो ऐसे में राजधानी रायपुर में भी और उसके साथ साथ पूरे भारत में भी जो ड्राई फ्रूट्स के जो दाम हैं उसमें भारी जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, देख लीजिए ड्राई फ्रूट्स हैं अलग अलग प्रकार के, जितनी भी जो वैरायटीज़ होती हैं ड्राई फ्रूट्स की, अभी उस दुकान में खड़े हैं। तो बहुत सारी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। तो ऐसे में जब वहाँ पे हालात जब कुछ ख़राब चल रहे हैं तो इनके जो दाम हैं उसमें भी अब उतार चढ़ाव हो रहा है। व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का उतार चढ़ाव है इन दिनों वर्तमान में, किस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स के दाम हैं किस तरह से चल रहे हैं या किस तरह से दामों में उतार चढ़ाव हो रहा है। जैसे अभी बादामगिरी में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, कैलिफोर्निया की आती है बादामगिरी, और अफगान की जो आइटम्स आ रही है जैसे अंजीर है, मुनक्का है, छुआरा है, काली किशमिश अगर है, इन सब चीज़ों में भी तेज़ी आने की संभावना है क्योंकि वहाँ भी इन दिनों हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि और कौन कौन से जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके जो दाम बढ़ रहे हैं? अंजीर है, मामरा बादाम है, मुनक्का है, खुरमानी है, काली दाग है, इन सभी अधिकतर आइटम जो है अफगानिस्तान से ही आती है मेवे में। तो जिस हिसाब से अभी का वहाँ का माहौल है उस हिसाब से काफ़ी तेज़ी की संभावना है। बड़े व्यापारियों से आप लोगों की बात होती होगी तो उनका क्या कहना है कि जिस प्रकार से स्थिति चल रही है तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो वहाँ से इंपोर्ट क्या अभी हो रहा है वर्तमान में या फिर बंद हो चुका है? नहीं, बंद तो नहीं हुआ है, जैसे अभी काफ़ी मतलब वो चल ही रहा है। और जो अभी एट प्रेजेंट में तो अभी जो माल पड़े हुए हैं दिल्ली में, जैसे बॉम्बे में माल है, और जिस हिसाब से अभी वहाँ की जो सिचुएशन लग रही है तो आगे जाके तेज़ी आएगी संभावना है। तो वर्तमान भर इंडिया में बहुत तादाद पे जो सामग्रियां हैं वो तो आ चुकी हैं, जिसके कारण अभी जो इंडिया में जो अलग अलग जो स्टेट है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो अभी फ़िलहाल नहीं रुका है। लेकिन जिस प्रकार से अफगानिस्तान में देखा गया कि कल एयरपोर्ट पे गोलियां चल रही थी, एयरपोर्ट के हालात ख़राब थे, ऐसे में फ़्लाइटों को भी बंद करना पड़ा, एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा, वर्तमान में जो स्थिति वहाँ पे जो बनी हुई है उसको देख कर यह साफ देखा अंदाज़ा लगा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत में भी जो ड्राई फ्रूट्स के जो दाम हैं वो आसमान छू सकते हैं। नवभारत टाइम्स के लिए रोहित बर्मन, रायपुर।